सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिश बिरयानी यानी कि मछली की बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फिश बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चावल दिए हुए हैं। अगर आप इसको वेट में मेजर करें तो ये 400 ग्राम के करीब हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हुए हैं, चावल अच्छी ब्रांड का ही लीजिएगा। साथ में यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया हुआ है तेल और 1 टी स्पून लेंगे शाही ज़ीरा और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक लिया है। नमक हमें थोड़ा सा तेज़ी लेना है और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 2 से 3 तेज़पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम 10 कप के करीब पानी को उबाल लेंगे यानी कि 2.5 लीटर के करीब, और जब पानी में उबाल आ जाएगी हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और इसी के साथ साथ इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा तेज़ी रखिएगा, अगर नमक कम होगा तो चावल भीगे रह जाएंगे। और साथ ही में दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और तेल डाल देंगे। तेल डालने से हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले रहेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें शाही ज़ीरा भी डाल देंगे और तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर चावलों को पका लेना है, तो हम इसको हाई फ्लेम पर बस 4 से 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। बस हमें इसको 70-80% कुक करना है, तो बहुत ही केयरफुल रहेगा वरना चावल जो है एकदम से बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। फ्लेम पर पकते हुए हमारे चावलों को 5 से 6 मिनट हुए हैं और हमारे चावल जो है 70-80% कुक हो गए। और ये देखिए इसमें हल्की सी एक कनी है, हल्का सा कच्चापन है, हम इसको छान कर एक साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ली हुई है मछली, मैंने यहाँ पर 1/2 kg टेंगन मछली ली है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी मछली ले सकते हैं। इसको हमें मैरिनेट करना है, तो हम इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी डाल देंगे और साथ में 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और बस 1/2 टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम बाद में भी नमक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मछली को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये सारे मसाले इसमें अच्छे से मिला देते हैं और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, मछली जो है अपना पानी छोड़ देगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, जिससे कि मछली में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं रह जाएगी। तो ये प्रोसेस ज़रूर से कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने मसाला मछली में अच्छे से कोट कर दिया। अब हमें इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आधा घंटा हो गया है मैरिनेट हुए मछली को, तो अब हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक करके मछली के पीसेस ड्रॉप कर देंगे। अब हमें यहाँ पर मछली को फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और उलट पलट कर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे हमारी जो मछली है 30-40% कुक भी हो जाएगी और फ्राई भी हो जाएगी। इसकी साइड्स को बदल बदल कर हमें फ्राई करना है जब तक कि ये मछली में हल्के से गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ही हमारी मछली अच्छी खासी गल जाती है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने मछली को फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक साइड में रख देंगे। और बिरयानी की ग्रेवी के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई किया और इनको दरदरा सा पीस लिया। इसको फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल कर लिया था तो ये थोड़ी जम गई है। और यहाँ पर मैं 1/2 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर्स कहेंगे दही और मछली का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दही के साथ मछली को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस ले सकते हैं। और 4 से 5 हरी मिर्चों का मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बना के रखा है, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, थोड़ा सा फूड कलर और 2 टेबल स्पून पानी का मैंने एक घोल बना कर रखा है, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला पाउडर लिया है। आप होममेड भी ले सकते हैं या फिर रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। नमक हमने पहले भी यूज़ किया है मछली में तो मैंने थोड़ा कम ही लिया है। 5 से 6 लौंग ली हैं, 1 जावित्री का फूल लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची ली हैं और 1/2 कप यानी कि 120 ml हम तेल लेंगे। बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम 1/2 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें साबुत गर्म मसाले डाल देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इनको सॉटे कर लेंगे जिनसे कि इसका फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाएगा। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी मिला देंगे और इसी के साथ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक,
और बिरयानी मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर 1.5 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट हमने मसालों को फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। तो हमने जो प्याज हल्की सी गोल्डन फ्राई करके दरदरी सी पीस ली थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें दही भी डाल देंगे। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो नींबू का रस डाल लीजिएगा। साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे और इसको हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए, दही का पानी ड्राई हो गया और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें एक एक करके मछली के पीसेस रख देंगे। हमारे मछली के पीसेस 50% तक कुक हैं तो इनको केयरफुली हमें यहाँ पर रखना है ताकि ये टूटे नहीं। यहाँ पर इसमें डालने से मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा और मसाले में भी मछली का फ्लेवर आ जाएगा। इसको ढक कर हम बस 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 1.5 से 2 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको पका लिया। इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है क्योंकि हमारी मछली पहले से भी फ्राई थी और कुक थी। अब हमें इसमें से आधी मछली ग्रेवी के साथ बाहर निकाल लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमें बिरयानी की लेयरिंग की तैयारी कर लेनी है। तो हम मसाले के साथ मछली को बाहर निकाल लेंगे आधी क्वांटिटी और आधी क्वांटिटी यहीं पर हम इसमें छोड़ देंगे। अब हमें इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर देना है क्योंकि अक्सर ये जो नीचे का मसाला होता है वो दम के दौरान जल जाता है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें तो बेटर है। अब हम इसमें चावलों की आधी लेयर डाल देंगे, आधी बचा लेंगे। इसके ऊपर हम हरे धनिए और पुदीने के पत्ते डालेंगे। आप चाहें तो तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर और फूड कलर डाल देंगे और अब हमने जो ग्रेवी बाहर निकाल ली थी मछली के साथ वो हम इसमें डाल देंगे और जो बाकी के बचे हमारे चावल हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से फिर से हम इसमें धनिए और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और फूड कलर और केवड़ा वाटर डाल देंगे। अब हम इसकी लेड लगाकर इसको दम पर रख देंगे। मैंने इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख दिया था। अब हमें इसके नीचे कोई भी हाई बॉटम तवा या फिर चावल को दम करने की जाली रख देनी है क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसको दम पर रखना है। तो हम इसके नीचे ये चावल को दम करने की जाली रख देंगे 2 मिनट के लिए। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि हमारी जाली और पैन अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर दम कर लेंगे। उसके बाद इसको चेक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर दम कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी जो है खूब अच्छे से दम हो गई है। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे क्योंकि मछली के पीसेस जो हैं बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। और ये लीजिए हमारी बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे। ज़रूर से इस डिलीशियस फिश बिरयानी की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।